आदि 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 का आदि निशा निशा बेटा आदि अरे सॉरी मैं वो आदि शारदा नेहा प्लीज क्या बात है बेटी क्या हुआ है बहुत घबराहट हो रही है मैंने बहुत बहुत बड़ा सपना देखा मैं मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है मैं झटके से उठी और देखा तो आदि भी नहीं था और डर गई ना बेटा तू चिंता मत कर कुछ नहीं होगा आदि अक्सर ऑफिस में देर रात तक काम करता है मैं रात से कहता हूँ उसे फोन पे बात करेगा राज बेटा जरा आदि को फोन लगा बीनी संभालो अपने आप को कैसे संभालो निशा ने जो किया ना उसे एक दिन में भुलाया नहीं जा सकता हर मौके का फायदा उठाया उसने फिर से एकदम से उस पे ट्रस्ट करूं इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल सर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है हर इंसान से गलतियां होती हैं एंड मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो एक दिन में बदल जाएंगे बट आपको भी उनकी हर गलती को उनके पास से जोड़ना बंद करना होगा एंड बहुत ही पेशेंस से डील करना होगा मिस अग्रवाल पेशेंस से तो डील कर रहा हूं इतने सालों से समझ नहीं आता कि निशा क्या चाहती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसे भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए सब कुछ होने के बाद इतनी इनसिक्योरिटी जस्ट अनबिलीवेबल यू नो आई होप कोई होता जो उसे समझा पाता कि वो जो कर रही है गलत कोई डॉक्टर कोई साइकाइट्रिस्ट क्योंकि मेरी बात तो वो सुनने से रही सर निशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था आपसे बात होने के बाद वो बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी एंड घर छोड़कर भी जा रही थी वो चाहती है कि आपके और उनके रिश्ते को बचाने में मैं उनकी हेल्प करूं पापा आदि भाई तो ऑफिस गए ही नहीं ऑफिस में भी नहीं कहां हो तुम आदि कोई और लड़की तो नहीं आदि मिस अग्रवाल आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज आप इस सब में इन्वॉल्व नहीं होंगी ये निशा का प्लान है वो बहुत मतलबी है बिना अपने मोटिव के किसी को हेलो तक नहीं कहती वो प्लीज प्लीज आप इस सब में इन्वॉल्व मत होइए मिस अग्रवाल सर शायद आप सही कह रहे पर गीता में लिखा है कि अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं क्या पता वो किस रूप में आ जाए एंड हमारी परीक्षा ले रहे हो हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए एंड अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए क्या पता हमारे इंटेंशंस निशा जी की गलत इंटेंशंस को सही बना दे मिस अग्रवाल प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आपके परिवार से बातचीत है आपकी नहीं करते कोशिश की मैंने बात करने की बात नहीं करते अच्छा लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला क्या पता चला शादी के बाद बहुत सारी बातें पता चली सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा क्या हेट्स डिस्टर्ब मत कर यार डिस्टर्ब मत कर बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू कर रहे हैं आप तुम्हारी चोट देख रहा अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है अरे मुझे
देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी